हमारे कमांडोज ने तुम्हारे सब साथियों को घेर रखा है। स्वामी जी जरा अपने पीछे भी नजर डालो, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया था, हमारा आएगा दौर। कि तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया था, हमारा आएगा दौर। और मेरी तो माँ भी मुझे यही कहती है। हरामी नालायक और कामचोर। अरे यार मम्मी। हाँ तो गाइस, हमारी ना एक तो फ्रेंड है जिसका आज बर्थडे था, तो हमने कहा हैप्पी बर्थडे गटर। तो वो कहती अरे ओ सोनाली नाम है हमारा। तो हमने कहा हाँ तो सौ नाली मिलके एक गटर ही तो बनता है ना। सही कहा या नहीं गाइस, कमेंट में जरूर बताना। खैर बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो भैया आज के इस गेम प्ले में हमने इतने सारे क्लच किए हैं जितना किसी ने सोची ना होगी, क्योंकि आप लोगों ने ज्यादा सोच लिया होगा। उतने सारे नहीं किए हैं, थोड़ी कम किए हैं। पर भैया इतना मैं कह देता हूँ कि आप लोगों को मजा बहुत आएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मौसम ठंड का है। अबे साले, तो उतरते ही मैं एक लड़की को मारता हूँ जिसका नाम होता है संजना। तो भैया लड़की मेरी कमजोरी है, तो मारते टाइम बुरा तो बहुत लग रहा था, पर क्या करें यार, रोजी रोटी का सवाल है, मारना तो पड़ेगा। फिलहाल इसका भाई सामने की तरफ होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने टीममेटों के पास चला जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के इंतजार करता हूँ कि कोई मुंडी दिखाए तो मैं नॉक करूँ और फिर रस करूँ। लेकिन भैया कोई मुंडी नहीं दिखाता, तो फिर ना चाहते हुए भी मुझे आगे जाना पड़ता है। और देखो तो बाटे जल्दी हो। क्या कहा तू मुझे खाएगा? बेटा मैं कोई हलवा नहीं सूजी का, और आज तू देख ले जलवा फौजी की उजी का। हम मैं बाजी कर सबसे अलग सबसे असली। तो भैया वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने कर दिया बन बी फोर। अब मुझे पता है आप लोग कहोगे फौजी भाई बंस मोर। तो इससे पहले आप लोग ऐसी जिद करो, मैं खुद ही जाता हूँ सीधा बाबा झारखंड के इलाके में। और यहाँ आते ही मुझे मैप में भैया 12 बंदे दिखते हैं। और फिर मुझे ये गोली चलने की आवाज भी आई, तो मैंने बोला इससे पहले बंदे खत्म हो जाएं सीधा रस करो भाई। और देखो अब आगे। तो एक बंदे की फुटस्टेप मुझे अंदर से आ रही थी और दो तीन ठोकी ऊपर से। अब मेरे पास थ्रोबल्स के नाम पे ओनली समोक था, तो मैंने अपने टीममेटों से बोला कि भैया बम बबूरा करो, यहाँ पे एक ठो बंदा है। लोकेशन मार्क की है। वाह, एक ने फेंका बम और एक ने फेंका मोली, पर दोनों ही निकले खाली। तो मैंने बोला भैया आप घुसाई के मारना पड़ेगा। Everybody.
रिवाइव कर दो भाई। न जाने कितनी रातें गुजर गईं हमें चैन से सोए, कि न जाने कितनी रातें गुजर गईं हमें चैन से सोए, तक ये गवाह हैं कि हम कितना रोए। और बस तुम्हें इतना कहना चाहूंगा कि मोए 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 मोरे मोए मोरे। कभी कभी तो मेरे को लगता है दुनिया में एक ही मात्र ऐसा यूट्यूबर है जो बनबी फोर करने के बाद भी हीरो नहीं बन पाता। इतने अच्छे से बनबी फोर किया था लेकिन ये जॉन ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में नॉक करके बेइज्जती करा दी। खैर बेइज्जती और बीबी तो अजीब सी चीज होती है, अच्छी तभी लगती है जब दूसरों की होती है। लेकिन मैं तो आपका अपना हूँ ना, तो प्लीज इस बेइज्जती को भूल जाओ और इस बनबी फोर के लिए भैया एक ठो लाइक और एक ठो सब्सक्राइब तो बनता है यार, तो दोनों बटनों को ठोक डालो फटाक से। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अरे जाओ यार उसके पास, कोई जाओ बचाओ बेचारी को। अरे यार मेरे पास एक जना आ जाओ। सप्लाई एक्स्ट्रा चाहिए तो मेरे से ले लो। सबसे नीचे यार। किसने कहा था कर भला सो हो भला, बेचारा उसको बचाने जा रहा था, देखो खुद ही घुटनों में आ गया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। खैर मेरी बाबू ने उसको निपटा तो दिया था, पर उसके बाकी के टीममेट भी यहीं कहीं थे। तो हम लोग फटाक से ऊपर आते हैं और तभी मुझे सामने वाले घर से फुटस्टेप आती है। भागरा, भागरा। भागरा पीछे। तो भैया इस ओरियो को तो हमने निपटा दिया, पर इसके अलावा भी यहाँ पे भी दो ठो बंदे और थे, तो उनको मैं ढूंढ ही रहा था और तभी मुझे सामने से फुटस्टेप टाइप की आती है। तो मैंने अपने टीममेट को बोला यार शायद सामने एक ठो बंदा है, और तभी यार ये DBS बड़ी गंदी गन है यार, माँ कसम। आगे स्वाद। अरे साला उसका टीममेट भी आ रहा है। नंबर वन भाई बचाना है। थैंक यू। रीलिंग करो सर। अजी सर रीलिंग करो। काली शर्ट पहनता हूँ तो दिखता हूँ मैं फाड़ू, कि काली शर्ट पहनता हूँ तो दिखता हूँ मैं फाड़ू, और माना कि मैं गोरा नहीं हूँ, पर हर लड़की मुझे प्यार से यही कहती है। तो भैया इस कालू को भी हमने निपटा दिया और इसी के साथ ये इवेंट पूरा का पूरा खाली हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से लूटा लाटी करके जॉन की तरफ जा ही रहे होते हैं, पर उत्तई में बीच रास्ते में एक बग्गी दिखती है। बग्गी बग्गी। अब भैया वैसे तो कहावत है संगठन में शक्ति अकेले में सबकी फटती, पर चाचा थे अकेले उसके बाद भी चौड़ में खेले। गालियां होनी चाहिए यार। खैर शायद मेरे टीममेटों में से किसी ने खाए थे केले, तो जब हमने इनको पेले तो उनने भी गोलियों की आवाज का मौका देख के नीचे से पेले। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। पर हमने भैया पकड़ लिया, ये सुनो आवाज। किसने पादा था रे। खैर इनको निपटाने के बाद हम लोग स्कूल अपार्टमेंट की तरफ जा ही रहे थे, पर उत्तई में मेरी बाबू हेल्प कहती है, यानी कि भैया उसके पास बंदे हैं। वॉच आउट, मार्क द लोकेशन। एक नॉक किया मैंने। अब वो लोग एक ही जगह में थे इसलिए उनको मारना इतना आसान नहीं था, तो मैंने अपने टीममेट से बोला कि तुम यहीं रह के उनका ध्यान भटकाओ, मैं लेफ्ट से जाके फ्लैंक करता हूँ। और फिर
मेरे तरह एक बंदा है। खत्म। चुप रहो चुप रहो। हीलिंग देना। हीलिंग नहीं है। अब इनके तीन बंदे हमने निपटा दिए, पर एक पत्थर के पीछे था, तो गोलियों की भारी कमी होने के कारण मैंने फटाक से पहले पेटीटी लूटी और उसके बाद उससे लड़ने की सोचा। पार चलो पप्पी लेके चलते हैं। अब यार वो मुंडी नहीं दिखा रहा था तो फिर मैंने बोला भैया एक काम करते हैं, घुसई के मारते हैं। लेकिन ये बग्गी भी भैया आगे जाने का नाम नहीं ले रही, काहे कि टायर फूटे हैं। तो यार यहाँ पे एक और टीम आ जाती है और अब हम लोग बीच में घिर चुके हैं। ऊपर से भैया केल भी हो गए हैं 17, तो डर लग रहा है कि कहीं कंटेंट में हो ना जाए खतरा। Awesome. चाहे दुश्मन आ जाए कितने भी, हम अपने कदमों को पीछे मोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यार कैसा लगा ये क्लच, कमेंट में बताना साथ। फिलहाल इन बंदों को निपटाने के बाद अब ओनली 3 बंदे बचे थे, तो उनको हम लोग काफी देर तक ढूंढते हैं, पर जैसे ही इस तरह पाते हैं तभी ये बंदे खुद ही गोली चला के हमको बुलाते हैं और देखो अब आगे क्या होगा। अंदर जा रहा है। Watch out! यहाँ बैठा है। ऊपर बैठा है। अब मैंने जलती बोतल में आग फेंकी, लेकिन इससे भी जब कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं इस घर के ऊपर चला गया तो फिर इनको भैया बहुत आसानी से मार सकता हूँ। तो मैंने निंजा टेक्निक की, पर यार मैं ऊपर न जा पाया। भाग रहे। अब मजाक में भैया उस बंदे ने पोंदलाल कराई दिए थे, तो फिर मैंने बोला यार रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, पहले फटाक से पट्टी लगाते हैं फिर अच्छे से उनको मारेंगे। मेरी साइड है। तो यार फाइनली इन बंदों को निपटा के हो जाता है चिकन डिनर, साथ ही मैंने अपना बदला भी ले लिया, क्योंकि इसमें एक बंदा वो था जिसने इवेंट के अंदर मेरे को डीबीएस से नॉक किया था। खैर कमेंट में बताना कि आज का ये गेम प्ले आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में ना हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही कर देना अपने दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।